फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यूपी और बिहार का कॉम्बिनेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपी बिहार की कॉम्बिनेशन वाली थाली जो कि बहुत ही स्पेशल तरीके से मैंने बनाई है। यूपी बिहार में इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और मेरे घर में तो इसे खासकर बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, बच्चे भी और हस्बैंड भी। तो मुझे अक्सर इसे बनाना ही पड़ता है और ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4-5 आलू ले लिए हैं और उसको अच्छे से धुलकर और रख दिया है कुकर में उबलने के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बैंगन, बिल्कुल ताज़े बैंगन हैं ये। और यहाँ मैं अपने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ। चलिए फ्रेंड, जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया। इधर फटाफट से बैंगन को मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए, इसके ऊपर वाले डंठल को मैं कट करके अलग कर दे रही हूँ और इसके बाद बैंगन को बीच से इस तरीके से मैं फाड़ लूँगी और इसको पानी में डाल दूँगी। तो बैंगन जब भी आप कट करें उसे आप पानी में ही डायरेक्ट डालें, नहीं तो बैंगन जो है वो काले पड़ जाते हैं। और देखिए, मैं इसको इस तरीके से दो दो पार्ट में अलग कर रही हूँ ताकि इसको हम चेक भी कर लें कि कोई बैंगन ख़राब तो नहीं है और हम इसको अच्छे से कट भी कर लेंगे। इस तरीके से दो पार्ट्स में कट करने पे इसे बहुत ही इजी हो जाता है बनाना। चलिए फ्रेंड्स, मैंने बैंगन को कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है और इधर हमारी कढ़ाई गर्म है तो इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग डाल दिया सरसों का तेल। और बैंगन को जो हमने कट करके रखा है उसको इस तरह से उल्टा करके पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला देंगे, यानी कि इसमें सेट करके अच्छे से इसको रख लेंगे बैंगन को। और उसके बाद हम धीमा करके बैंगन को इस तरह से फ्राई होने देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बैंगन का चोखा बना रही हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बैंगन का चोखा एक बार बनाएंगे ना तो सच में बिल्कुल चूल्हे वाले चोखे का इसमें स्वाद आता है। जैसे गांव देहात में चूल्हे में आग में बैंगन को भून कर और उसके बाद हम बनाते थे आलू का चोखा, तो इस तरीके से अगर आप बैंगन को तेल में थोड़े से फ्राई कर लेंगे कढ़ाई में लोहे की, या फिर तवा हो आप उस पर भी रख कर इस तरह से काट कर और फ्राई कर सकते हैं। इससे हमारा बैंगन बहुत ही अच्छे से अंदर तक पक जाता है और बहुत ही इसमें टेस्ट अच्छा फ्लेवर आता है। बिल्कुल लगता है कि हमने इसे चूल्हे पे आग में भूनकर तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बैंगन का हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है, हल्के से बैंगन सॉफ्ट हो गए, मैंने इसे ढक दिया था। तो मैं इसमें 8 से 9 ये लहसुन की कलियाँ बीच में जगह करके कढ़ाई में इसे भी डाल दे रही हूँ और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी बीच से इस तरीके से कट करके और उल्टा करके इसे भी इसी में सेट कर दूंगी। हमारे बैंगन भी बहुत ही अच्छे से इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से बैंगन का चोखा बनाइएगा, सच में बहुत ही अच्छा लगेगा आपके पूरी फैमिली को। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टमाटर को भी और लहसुन की कलियों को भी इस तरीके से इसमें डाल दिया और वापस से इसे ढक देती हूँ। गैस की फ्लेम को लो ही रखने दूंगी और इसको अच्छे से धीमी धीमी आंच पर मैं पकने दूंगी। फ्रेंड्स, चाहे तो आप उसमें 2 लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आपको अगर तीखा खाना है तो। मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं ऊपर से इसमें हरी मिर्च कट करके डालूंगी, अभी मैं इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बैंगन अच्छे से पक रहा है तो मैं फटाफट से इधर आटा लगा लेती हूँ। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ यहाँ पर बैंगन का चोखा और बाटी, जिसको कि बिहार में लिट्टी चोखा कहते हैं और हमारे यूपी में चोखा बाटी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लगता है खाने में। और आज मैं इसे सत्तू से बनाने वाली हूँ तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है सत्तू से अगर आप बनाएंगे तो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा, आटे में थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा अजवाइन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैं 1 चम्मच के लगभग यहाँ पर अजवाइन हाथों में इस तरीके से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा अच्छा कलर आने के लिए इसमें मैंने हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें डालें चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बाटी में बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें 2 छोटे चम्मच के लगभग घी डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। घी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा एक क्रंची सा बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, हमारा डो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको बाइंड कर लिया है, तो अच्छे से इसको 2-3 मिनट के लिए गूंथ भी लूँगी और गूंथने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक उधर हमारा बैंगन जो है वो अच्छे से पक गया है, इसको 5 से 7 मिनट हो गया है पकते। तो बस फ्रेंड्स, मैं इसे फटाफट से निकाल लेती हूँ थाली में और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा बैंगन कितना अच्छा भुनकर पककर तैयार हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फटाफट से सारे ही
बैंगन को निकाल लिया है थाली में, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद देखिए इस तरीके से हम टमाटर के सारे छिलके आसानी से निकाल देंगे और बैंगन के भी सारे छिलके आसानी से निकल जाते हैं इस तरह से। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना ज़बरदस्त और टेस्टी ये चोखा बनता है बैंगन का, बिल्कुल चूल्हे वाला स्वाद इसमें आता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर के और बैंगन के भी छिलके इस तरीके से निकाल ले रही हूँ, सारे ही छिलके। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें मैंने जो आलू उबाल कर रखे हैं ना, आलू भी हमारे उबल गए हैं तो उसको भी हम अच्छे से छील कर उसे भी डाल देंगे। और यहाँ पर हम लोगों के यहाँ बैंगन में कच्चे सरसों का तेल पड़ता है, तो मैंने एक चम्मच भर कर इसमें कच्चा सरसों का तेल डाल दिया। इसका बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी फ्लेवर आता है इसमें, आप लोग चाहें तो डालें चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और हमारे आलू भी उबल गए हैं देखिए, तो मैं इसे छील कर और 2 से 3 आलू भी इसमें डाल दे रही हूँ इस तरह से। आप चाहें फ्रेंड्स तो बैंगन के साथ आलूओं को भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आलू फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बैंगन और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने आलूओं को अलग से ही उबाल लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, इसको हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे, टमाटर को भी और जो लहसुन की कलियाँ हैं उनको भी और आलू को भी बैंगन को भी। और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बिल्कुल गाँव देहात स्टाइल बैंगन का चोखा बनकर तैयार होगा। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा प्याज डाल दे रही हूँ बारीक कट किया हुआ, साथ ही मैं हरी मिर्च इसमें डालूंगी ऊपर से। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कट करके मैं इसमें हरी मिर्च डाल दे रही हूँ, मेरे किचन गार्डन की ही हरी मिर्च है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन और मिर्च को जो है कूट कर खलबट्टे में इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं इसमें, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मेरे पास अदरक नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा अदरक को भी कद्दूकस करके या फिर कूट कर लहसुन मिर्च के साथ डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं और हमारा बैंगन का बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी चोखा बनकर रेडी है। उसे रखती हूँ साइड में और यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सिंग बाउल, इसमें मैंने ले लिया है 1 कप के लगभग ये सत्तू, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच ये अचार का मसाला। इससे हमारा जो बाटी बनेगा वो बहुत ही टेस्टी बनेगा, यानी कि लिट्टी। साथ ही इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ, और इसमें भी हम लोग सरसों का तेल डालते हैं कच्चा, तो मैं इसमें भी सरसों का तेल डाल रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद इसमें ये मैंने लहसुन को अच्छे से कूट कर इसका पेस्ट बना लिया है, तो इसे भी डाल दे रही हूँ इसमें 1 चम्मच भर कर। और इसके बाद इसमें भी मैं प्याज डाल रही हूँ इस तरीके से बारीक बारीक कट किया हुआ, और लास्ट में इसमें मैं नींबू का रस डालूँगी। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा ये जो लिट्टी की फिलिंग है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है, और हम इसे सत्तू से बना रहे हैं तो ये तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इतनी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेल जिसको कलौंजी बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं 1/4 चम्मच के लगभग, उससे भी इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है, और मिक्स करने के बाद रख देती हूँ साइड में। अगर आपको लगे ये ज़्यादा ड्राई ड्राई सा है तो आप इसमें सरसों का तेल 1 से 1.5 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं। और इधर हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से सेट है, तो बस हम फटाफट से लोइयाँ कट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लोई को इस तरीके से कटोरी शेप में बना लेंगे और इसमें 1 से 2 चम्मच फिलिंग डाल देंगे ये सत्तू वाली, और इसके बाद इसको हम क्लोज कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको हाथों से घुमाकर अच्छे से चिकना कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर गोल गोल ही बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे हल्का सा चपटा शेप भी दे सकते हैं। और इसको अच्छे से क्लोज कर देंगे, और इसके बाद हमारी ये देखिए लिट्टी बनकर तैयार हुई है। तो मैं इसे अपने पैन में ही बनाती हूँ अक्सर, या फिर कुकर में बनाती हूँ, नहीं तो मैं फ्राई भी करके बनाती हूँ। लेकिन अगर आप ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने पैन में बनाइए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है, झटपट बनकर तैयार होता है, और बहुत ही कम तेल में इसे हम बना लेते हैं। और टेस्ट तो मत पूछिए, बिल्कुल गांव के चूल्हे वाला टेस्ट आता है, जैसे हम चूल्हे में कंडे की आग में बनाकर रेडी करते हैं ये लिट्टी, उसी तरीके से हमें इसमें टेस्ट मिलेगा जब आप अपने पैन में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारी ही लिट्टियों को इस तरीके से अच्छे से फिल करके और रेडी कर ले रही हूँ, और इसको ऊपर से हल्का हल्का चिकना करके इस तरीके से तैयार कर लूँगी, और इसके बाद हम इसे फटाफट से बनाएंगे अपने पैन में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये लिट्टी बनकर बिल्कुल तैयार है, सारी ही मैंने बना ली है।
और यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ गैस पे ये पैन अपना अप्पे वाला, और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पर मैंने घी का यूज किया है, इससे बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का या फिर सरसों के तेल का। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसमें इस तरीके का निशान बना रही हूँ स्पून से, इससे हमारा जो ये लिट्टी है ना, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही अच्छे से अंदर तक ये बिल्कुल बढ़िया पक जाएगा। तो आप सारी लिट्टियों में इस तरीके से निशान बना दीजिए और लुक भी इसका देखने में इस तरह से अच्छा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम फटाफट से सारी ही बाटियों को डाल देंगे अप्पे पैन में और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो अप्पे पैन का सांचा है, इससे ज़्यादा ही बड़ी आपको देखने में लग रही होगी ये लिट्टी हमारी, लेकिन बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से इसमें बन जाती है। और ये देखिए, इसको हम गैस की फ्लेम को लो करके और धीमी आंच पर इसे अच्छे से एक साइड से होने देंगे, और जैसे ही एक तरफ से हल्का हल्का ये अच्छे से हो जाए, यानी कि आटा हमारा सेट हो जाए, तो हम इसे पलट देंगे। और पलट कर दूसरे साइड भी मैं इस पर एक चम्मच के लगभग घी स्प्रेड कर दे रही हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, हमें इसमें ना तो घी ना तो तेल डालना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच घी या तेल में ये बनकर तैयार हो जाएगी। और इसको हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर पर पलटते रहना है, चारों साइड से हमें इसे अच्छे से पका लेना है। थोड़ा सा टाइम इसे पकने में ज़रूर लगता है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल एकदम चूल्हे वाला, जैसे हम गाँव में ठेले पर खाते हैं लिट्टी चोखा, वो वाला टेस्ट इसमें आता है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है और बहुत ही अच्छे से ये हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो बस फ्रेंड्स, मैं इसे फटाफट से निकाल लेती हूँ और लगाती हूँ प्लेट अपनी और ले चलती हूँ, सबको देती हूँ खाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले सर्व कर रही हूँ ये चोखा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल चूल्हे वाला स्वाद इसमें आ रहा है, जैसे हम गांव में आग में बैंगन को टमाटर को भून के बनाते हैं। और साथ में ही लिट्टी तो मत पूछिए, बहुत ही लाजवाब बनती है इस तरह से। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च फ्राई भी कर ली है, साथ ही एक नींबू की स्लाइस भी रख रही हूँ। तो मुझे तो चोखे में थोड़ा सा नींबू डालती हूँ ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोगों को जैसे भी पसंद हो, आप इसे सर्व कीजिए और अपने फैमिली को और बच्चों को खिलाइए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर में किस तरीके से हमारा आटा लिट्टी का बिल्कुल अच्छे से पक गया है, और फीलिंग देखिए फ्रेंड्स, सच में बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी। बताते बताते तो मेरे मुंह में ही पानी आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ कितना ये टेस्टी बना है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, और आपके परिवार में ये 100% गारंटी है सभी को पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा लिट्टी चोखा बनकर बिल्कुल तैयार है, मैं ले चलती हूँ, देती हूँ अपने फ्रेंड को, बच्चों को खाने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।